गणपति बाप्पा मोरिया। तो आज हम लोग जा रहे हैं गणपति बाप्पा का विसर्जन करने के लिए। सब लोग निकल चुके हैं हमारे घर से, तमाम लोग जितने हैं सब लोग निकल चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से आगे निकल चुके हैं भाई। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग निकल चुके हैं गणपति बाप्पा का विसर्जन करने के लिए। ये देखिए बाप्पा आप जा रहे हैं गणपति बाप्पा मोरिया। तो भाई हम लोग हमारे घर से सब लोग निकल चुके हैं गणपति बाप्पा के विसर्जन के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं गणपति बाप्पा, ये भाई भी जा रहे हैं साथ में, ये तमाम लोग जा रहे हैं गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। परवीन कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए गणपति बाप्पा जो है ना वो बैठ चुके हैं रथ के अंदर, अपनी रथ के अंदर बैठ चुके गणपति बाप्पा। धुआं में देख लो गाय भी एटू कर ये देखिए स्वागत गणपति बाप्पा का। आज हम लोग जा रहे हैं गणपति बाप्पा का विसर्जन करने के लिए, लेकिन भाई बहुत ज्यादा दुख लग रहा है, सही बताऊं मैं आपको, बहुत बेकार लग रहा है। परवीन ने तो सुबह से रो रो के बुरा हाल कर लिया है, क्योंकि परवीन बोल रहे हैं भाई गणपति बाप्पा आप जा रहे हैं, तो हम लोगों को भाई बेकार लग रहा है सही में। एक साल में इंतजार होता है केवल मात्र 10 दिन के लिए गणपति बाप्पा आते हैं, हम लोग तो सोचते कम से कम 1 महीने के लिए आना चाहिए। बिल्कुल 1 महीने, 1 महीने के लिए होना चाहिए गणपति बाप्पा घर पे, लेकिन 10 दिन के लिए आएंगे तो भाई कैसे लगेगा, 10 दिन तो पता भी नहीं चलते भाई कब निकल गए। इसलिए जो है ना कम से कम 1 महीने का ये फेस्टिवल होना चाहिए। अगली बार गणपति बाप्पा से प्रार्थना है कि वो अपनी मम्मी को बोल के आए कि हम लोग 1 महीने के लिए जा रहे हैं घर पे और 1 महीने बाद में हम लोग घर वापिस आएंगे, गणपति बाप्पा बोल के आए अपनी मम्मी को, इसलिए 1 महीने के लिए। चलो कोई बात नहीं, जैसी बाप्पा की इच्छा। लेकिन विसर्जन के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल भी होता है कि भाई गणपति बाप्पा इतना दिनों से हम लोग जिसकी सेवा कर रहे हैं 10 दिन सबसे छोड़ के, तो वो हम लोगों को घर जा रहे हैं, अपनों को छोड़ के, हम अपनों को छोड़ के वो घर जा रहे हैं, क्या करें भाई। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा। पानी हाथ में दे दो।